बीजेपी नेत्री और एक्ट्रेस सोनाली फोगाट की बीते मंगलवार सुबह मौत होने की खबर सामने आई थी, जिसने सबको चौंका दिया था। बताया गया था कि सोनाली फोगाट की गोवा में हार्ट अटैक पड़ने से जान चली गई है, लेकिन परिवार वालों को यह यकीन नहीं हो रहा था कि सोनाली की सामान्य तरीके से मौत हुई है। परिवार वाले सोनाली की मौत संदिग्ध बता रहे हैं। बीते कल ही सोनाली की एक बहन ने बयान देते हुए कहा था कि सोनाली की मौत साजिश के तहत हुई है, और वहीं अब सोनाली के भाई ने तो बेहद ही हैरतअंगेज आरोप लगाए हैं। दरअसल सोनाली फोगाट के छोटे भाई रिंकू ने गोवा पुलिस को लिखित में शिकायत दी है कि उसकी बहन यानी कि सोनाली फोगाट के साथ नशीली चीज देकर कई बार दुष्कर्म किया गया है। साथ ही दुष्कर्म की वीडियोस भी बनाई गई है, जिसके बाद इन वीडियोस को दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया जाता रहा। भाई रिंकू ने यह भी कहा कि सोनाली फोगाट की मौत अपने आप नहीं हुई है, संपत्ति हड़पने के लिए सोनाली की हत्या की गई है। भाई रिंकू ने कहा कि सोनाली फोगाट के साथ जो भी होता रहा और जो भी हुआ है, उसका जिम्मेदार मुख्य रूप से सोनाली का पीए सुधीर सांगवान है। वहीं रिंकू ने सुधीर सांगवान के एक दोस्त सुखविंदर नाम के एक शख्स का भी नाम लिया है। रिंकू ने कहा है कि इन दोनों के अलावा इनके साथ साजिश में और भी कुछ लोग शामिल है। गोवा पुलिस को लिखित शिकायत में रिंकू ने बताया कि 2019 में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, तब रोहतक निवासी सुधीर सांगवान ने सोनाली से मुलाकात की थी, जिसके बाद सोनाली ने सुधीर सांगवान को अपने पीए के रूप में काम पर रख लिया। रिंकू ने शिकायत में यह भी बताया कि 2021 में सोनाली के घर जो चोरी हुई, वह भी सुधीर ने करवाई थी। रिंकू ने बताया कि सुधीर सांगवान ने घर से पुराने कुक और अन्य स्टाफ को भी हटा दिया था। सोनाली के लिए खाने की व्यवस्था सुधीर खुद करता था। रिंकू ने बताया कि एक दिन सोनाली का फोन आया था। सोनाली ने फोन पर बताया था कि उसने सुधीर की लाई हुई खीर खाई है, और खाने के बाद पता नहीं क्यों उसके हाथ पैर कांपने लगे हैं, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। रिंकू ने शिकायत में सोनाली के साथ कई बार रेप होने का भी जिक्र किया है। रिंकू के मुताबिक सोनाली ने मरने से कुछ घंटों पहले उसके जीजा को फोन किया था, और वह कह रही थी कि उसे बेचैनी सी हो रही है। सोनाली ने बताया कि सुधीर ने उसे खाने में कुछ मिला कर दिया है। इस दौरान सोनाली ने यह भी बताया कि सुधीर सही आदमी नहीं है, उसने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है, नशीला पदार्थ खाने में मिलाकर सुधीर उसके साथ कई बार दुष्कर्म कर चुका है, वीडियोस भी बनाए हैं। सुधीर धमकी देता था कि अगर किसी को बताया तो वह वीडियोस वायरल कर देगा और उसका फिल्मी और राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। रिंकू ने यह भी बताया कि सोनाली का जो भी लेन देन होता था, कोई प्रॉपर्टी का काम होता था, वह सब सुधीर ही करता था। सोनाली के एटीएम वगैरह घर की चाबियां भी सुधीर अपने पास ही रखता था। रिंकू ने यह भी आरोप लगाया है कि गोवा में कोई शूटिंग नहीं थी, सुधीर झूठ बोलकर सोनाली को वहां लेकर गया था। फिलहाल सोनाली के छोटे भाई रिंकू ने ये सब आरोप लगाए हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच में आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।